ये लड़की अपने छोटे भाई को अपनी गोद में लेना चाहती है, लेकिन इसकी माँ इसे इसके भाई से दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद इसकी माँ इसे अकेले खेलने के लिए लिविंग रूम में छोड़ देती है, जिससे ये लड़की महसूस करती है कि जब से उसके भाई का जन्म हुआ है तब से उसके माता पिता ने उससे प्यार करना कम कर दिया है। वही अब अपने भाई के बार बार रोने से ये लड़की काफी परेशान हो जाती है, इसलिए ये सोचने लगती है कि बेहतर होगा कि अगर उसका भाई गायब हो जाए, जिससे अगले ही पल उसके भाई के रोने की आवाज बंद हो जाती है। अब जब इसकी माँ ने अपने बच्चे को गायब देखा तो वो गुस्से में अपनी बेटी थेल्मर पर आरोप लगाने लगती है, लेकिन वही मासूम थेल्मर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तभी अचानक इन्हें इनके सोफे के नीचे से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए ये महिला तुरंत दौड़ती है। जहां ये महिला देखती है उसका बच्चा सोफे के नीचे फंसा हुआ है, परंतु ये इस हैरानी में भी होती है कि आखिर इसका बच्चा सोफे के नीचे गया कैसे। अब अपने पति की मदद से ये महिला अपने बच्चे को सोफे के नीचे से निकाल लेती है। इस घटना के बाद थेल्मा के माता पिता इसे संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं, लेकिन थेल्मा को अभी भी समझ नहीं आता कि आखिर उसने किया क्या है। वही अगले दिन ये महिला अपने बच्चे को बाथटब में छोड़कर कुछ लेने चली जाती है, लेकिन जब ये महिला वापस लौटती है तो ये एक बार फिर से उसे गायब पाती है।